अगर आप भी एक्सेल के अंदर अपनी हाइड रो एंड कॉलम्स को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल की एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से आपने जितनी भी रो एंड कॉलम्स को हाइड किया होगा उनको एक ही बार में परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन सी ट्रिक है। तो उसके लिए यहाँ से सबसे पहले हम अपने कुछ रो एंड कॉलम्स को हाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने दो रो को हाइड कर दिया और दो कॉलम को हाइड कर दिया। अगर हम इसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो ऊपर फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इम्पैक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे जैसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक चेक का निशान दिखेगा, हाइड रो एंड कॉलम, इसको चेक रहने देंगे और इम्पैक्ट पे क्लिक कर देंगे। देन दोबारा से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको पता लग जाएगा आपके कितने रो और कितने कॉलम हाइड है। सिंपल यहाँ पे रिमूव ऑल पे क्लिक कर देंगे तो परमानेंट आपके रो एंड कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अब आप उनको दोबारा से अंडो नहीं कर सकते। इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।